आयोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। दो दिन के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूरत में रोड शो के बाद तमाम योजनाओं की दी सौगात। सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतरेंगे दिग्विजय सिंह, पवन बंसल और शशि थरूर भी रेस में शामिल। अगले दो दिन में बुलाई जाएगी राजस्थान कांग्रेस विधायकों की बैठक, नए मुख्यमंत्री को लेकर किया जाएगा फैसला, जल्द नियुक्त होंगे पर्यवेक्षक। धर्मेंद्र राठौर, गोविंद मेघवाल ने वेद प्रकाश सोलंकी पर बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप, कार्रवाई न करने पर अजय माकन पर भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट का मैरिटल रेप पर बड़ा फैसला, मैरिटल रेप को दी मान्यता। अब 1 अक्टूबर 2023 से कारों में 6 एयरबैग होगा अनिवार्य, नितिन गडकरी ने किया ऐलान। आरसी के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, दो सिलसिला क्रिकेट संघ की आरसी पर आदेश, 23 सितंबर को होना था आरसी का इलेक्शन, कल फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। गरबा में मुस्लिम युवकों के आने पर बजरंग दल का बवाल, अहमदाबाद में पिटाई कांच। असम के डुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी डूबी, मुसाफिरों से भरी नाव। ब्रह्मपुत्र में डूब गई मुसाफिरों से भरी नाव। भारतीय शेयर बाजार ने शानदार तेजी के साथ खुलने के बाद गवाई बढ़त, लगातार सातवें दिन गिरकर बाजार हुआ बंद। सर्जिकल स्ट्राइक की छठी वर्षगांठ पर आज हो रहे कई कार्यक्रम, भारतीय सेना ने आज ही के दिन पाकिस्तान में घुसकर की थी सर्जिकल स्ट्राइक। जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का हुआ आगाज, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजन, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। पोस्ट इंडिया की खबर पर फिर लगी मुहर, रीट 2022 प्रथम और द्वितीय स्तर की परीक्षा का रिजल्ट जारी, जनवरी 2023 में होगा फाइनल एग्जाम। टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बरेठा थाने के एएसआई सुरेश ट्रैप, 10,000 रुपए के एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लीजेंड क्रिकेट प्रतियोगिता कल से 2 अक्टूबर तक जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में होंगे मैच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। कोटा में अपेक्षा ग्रुप कंपनी 200 करोड़ रुपए की महाठगी करके फरार, एसआईटी की टीम अब सभी डायरेक्टर की तलाश कर रही है। बीकानेर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शिंदाबाई कार्यवाहक महापौर का पद संभालते एक्शन मोड में आई नजर, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के दिए निर्देश। भारत में नहीं थम रहा कोविड-19 का कहर, बीते 24 घंटों में आए 4,272 नए मामले। गोल्डन बॉय नीरज ने जमाया गरबे का रंग, वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे किया गरबा रास। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 25 लाख का सोना, नी बैंड में छिपाकर लाया गया था सोना तस्कर। बीएसएफ जवान से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, मारपीट कर रुपये और मोबाइल छीने, पुलिस ने आरोपियों के बारे में कर रही पूछताछ। बूंदी में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की बूंदी को एनीमिया मुक्त बनाने की पहल। ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो भेजकर कॉल किया रिकॉर्ड, फिर साइबर सेल अधिकारी वन डिलीट करने के नाम पर एंटे 9 लाख। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह। राजस्थान से विदा होने लगा मानसून, 1 अक्टूबर से थम जाएगी बारिश, 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। जैसलमेर में हुई इटली से आए कपल की शादी, सुर्खियां बटोर रही है, कपल ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी। पिछले 8 महीने में प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 84% से ज्यादा इजाफा, विभाग को नए सत्र में संख्या में और वृद्धि की उम्मीद। 1 अक्टूबर से 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के टाइगर पार्क रणथंभौर सरिस्का के कोर रूट्स पर पर्यटन गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं।